राज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। करेंगे खबर का माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज सीजी बोर्ड दसवीं और बारहवीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें बारहवीं में योगेंद्र वर्मा मुंगेली ने टॉप किया है, वहीं योगेंद्र ने 97.40% अंक प्राप्त किए। दसवीं में रायगढ़ की रहने वाली निशा पटेल ने 99.33% से टॉप किया है। नतीजे जारी करने के दौरान बोर्ड अध्यक्ष गौरव द्विवेदी, सचिव वीके गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में ऐसा दूसरी बार हुआ जब दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के नतीजे एक साथ जारी किए गए। छत्तीसगढ़ बोर्ड दसवीं की परीक्षा इस बार लगभग 3,79,000 रेगुलर और 7,600 प्राइवेट स्टूडेंट शामिल थे। बारहवीं परीक्षा में इस बार कुल 2,51,555 रेगुलर और 9,627 प्राइवेट स्टूडेंट शामिल हुए थे। पिछले वर्ष 9 मई को परिणाम घोषित किए गए थे, इलेक्शन होने के बावजूद जैसे हमारे बड़ी संख्या में टीचर्स इलेक्शन की गतिविधि में संलग्न रहते हैं, उसके बावजूद लगभग बराबर समय में ही इस साल भी घोषित किया है। पिछले साल 2018 में 11वीं और 12वीं में जो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लिया था उसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार कराकर वेबसाइट पर अपलोड किए गए, जिसकी वजह से छात्रों को और शिक्षकों को जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। आगामी सत्र के लिए जो 12वीं के जो नए सब्जेक्ट और एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं उनके भी ब्लूप्रिंट मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाले गए ताकि उनके आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और लोनी से योगेंद्र वर्मा जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किए महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ने वाले हैं और 97% के साथ पास किए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरे परीक्षा परिणाम को लेकर कितने घंटा पढ़ाई करते थे और कैसा लग रहा उन्हें कि पूरे प्रदेश में प्राप्त किए हैं। मैं डेली पढ़ाई करता था, निरंतर की पढ़ाई में और फोकस होकर पढ़ाई किया करता था। कितने घंटा पढ़ाई करते थे, इसमें किनका किनका श्रेय रहा है, किनको किनको श्रेय देना चाहेंगे? इसमें श्रेय मम्मी पापा भैया और शिक्षकों का भी योगदान रहा। भैया मैथ्स लिए थे तो उनका योगदान रहा, पापा इंग्लिश के व्याख्याता हैं तो इंग्लिश में भी पापा ने बहुत सहयोग किया। कैसा लग रहा है आपको पूरे प्रदेश में आप टॉप किए हैं और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या? आगे फ्यूचर में मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ। हमारे साथ उनके पापा भी हैं, उनके परिजन हैं जिनका भरपूर सहयोग रहा है, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है पूरे प्रदेश में उनका बालक पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे रिजल्ट जैसे मैंने सुना बहुत मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने एक बार सुना थी टॉप आकर उसको मतलब अपना विश्वास को हम पर ये जता दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और हमारा आशीर्वाद है उस अपेक्षा है कि वो भविष्य में भी बस अपने इसी को बनाए रखें। हमारे साथ उनके माँ भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने घंटा पढ़ाई करते थे या पढ़ाई में उनको कितना सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाता था। मेरा बस 3-4 घंटे के आगे में पढ़ता था, सोता जाता था, लेकिन उसके परिश्रम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्थान आएगा। कैसा लग रहा है आपको कि पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया? फिलहाल योगेंद्र वर्मा जो लोरमी के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ते थे उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम रोशन करते हुए IAS बनने का सपना है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में योगेंद्र वर्मा का भविष्य क्या होता है। लोरमी से संदीप सिंह ठाकुर।